शांति 16 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे करते हैं और जो भी इस मंथन में जुड़ना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। और यदि किसी को कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई विचार है, कोई बात है तो वो इसी वीडियो में सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर लिखकर भेज देंगे तो हम उसके पास लिंक भी भेज सकते हैं और उसका जो जवाब होगा, जो प्रश्न का उत्तर होगा वे भी दे सकते हैं और वो अपने सुझाव और विचार देकर इस मुरली मंथन में सहयोगी भी बन सकते हैं कि उनके विचार इस मंथन में भी शामिल किए जाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन। कौन खराब हो गया है? मैं आत्मा ही बिगड़ी हूं, मुझे आत्मा को ही स्वयं को सुधारना है और उस सुधारने के लिए सिर्फ मुझे अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है? कि दैवी गुण मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मुझे देवी देवता बनना है तो दैवी गुण मुझे अपने जीवन में धारण करने हैं। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, ये जरूरी था बताना बाबा को। बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते, ये बाबा को बताना जरूरी था। हाँ जी, बाबा राज को जानते तो हमें बताना तो जरूरी नहीं था ना। बता दिया तो परेशान थे। अब बता दिया तो हमें विश्वास हो गया कि बाबा नाराज नहीं होता। खूब मस्ती मारो, खूब मौज करो, खूब गड़बड़ करो, बाबा तो नाराज हो गए ही नहीं। नाराज मत तो भक्ति मारो। हाँ जी, ड्रामा एक्यूरेट है, वो सारी बात ठीक है, परंतु जब किसी को पता लग जाए कि ये नाराज ही नहीं होता तो फिर उसकी परवाह भी नहीं करते। ठीक है, ऐसे नाराज तो होना नहीं, बाबा नाराज होगा नहीं, श्राप देगा नहीं, मारेगा नहीं, पिटाई करेगा नहीं, ठीक है। अब मौज मस्ती मारो जैसा मर्जी। कौन सा डर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पर कहने का मतलब यह है कि पता है कि बाप श्राप नहीं दे। बोले ये बात हमें बता करके हमें और भी जो ना क्या कर दिया, डेट बना दिया, पक्का बना दिया कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं। हाँ, लौकिक माँ बाप नाराज होते हैं, बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात है। शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। टीचर है, वो हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं, पर तो डरने की कोई बात नहीं। बच्चे जो है लौकिक माँ बाप से डरते हैं, बाप डांटेगा, माँ डांटेगी, कहीं पर बाप सख्त होता है तो कहीं माँ सख्त होती है। हाँ जी, परंतु जब कोई डराते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, बच्चे उसी बात को छुपाना शुरू कर देते, क्योंकि जिस बात पर माँ बाप गुस्सा करते हैं उससे माँ बाप को गुस्सा करना नहीं चाहता, तो इसलिए वो उस बात को छुपा ले। तो बाबा कहते मेरे से तुम छुपाओ मत, मेरे को तुम सच सच बता दो, मैं नाराज नहीं होता हूं, मैं शिक्षा देता हूं, डरने की कोई बात नहीं।
क्योंकि जब कोई बच्चा गलती करता है तो वो फिर छुपता है, माँ बाप से छुपता है, खुद को भी छुपाता है। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट नहीं करे, कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें, कौन सी बात याद रहे तो बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा या बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये संगम का समय बहुत महत्व, क्योंकि इसी 100 साल में मुझे अपने आप को जितना ऊपर चढ़ा सकता हूं, जितना श्रेष्ठ बना सकता हूं, यही एक समय है जो कल्प में अभी मिला है, और उसमें जितना मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करना है अपलिफ्ट कर सकता हूं, परंतु नहीं किया तो बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। लॉटरी भी हमें क्या मिली है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। लॉटरी मिलती है तो पूरी की पूरी मिलती है कि आधी मिलती है? हाँ जी, टैक्स कट जाता है, है नहीं? चलो टैक्स, इनकम टैक्स कट जाता है, कोई बात नहीं, परंतु पैसा तो पूरा देते हैं ना, इनकम टैक्स काट के कभी निकली नहीं, नियम है पूरा देते हैं, बीच में कोई काटा नहीं जाता, है नहीं? मतलब कमीशन या रिश्वत ऐसा कोई बात नहीं होती। बाकी नियम तो यही है कि रिश्वत नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी भ्रष्टाचारी दुनिया में कुछ भी क्या भी कर सकते हैं। अब लॉटरी निकलती है तो पूरी लॉटरी उसको मिलती है, और यहां यहां हमारी लॉटरी निकली है परंतु पूरी नहीं मिलती। यहां कितनी मिलती है, जितनी आप मेहनत करो। यहां लॉटरी निकली है कि भगवान हमें पढ़ाने के लिए परमधाम से आ गया है, परंतु पढ़ो, मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी। फिर इसको हम लॉटरी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, ये लॉटरी नहीं है, वैसे लॉटरी कह नहीं सकते, बाकी कह रहे हैं, चलो बाबा जो मर्जी कहे। ये स्मृति रहे तो हाँ जी, मौका तो मिला ही है। हाँ, मौका मिला है। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी का जरिया है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करती है, माया देह अभिमान में लाती है, उल्टा है क्या सीधा है? देह अभिमान से माया आती है या माया देह अभिमान में लाती है? क्योंकि जब हमने स्वयं को देह समझा तो हमारे गुणों को, हमारी शक्तियों को माया लगी, मीन्स उनका अभाव होना शुरू हुआ, है नहीं? फिर माया कैसे देह अभिमान में लाएगी? गुणों का अभाव, यही एक चक्र है, नेगेटिव चक्र है ये, कि माया देह अभिमान, देह कमजोर हुई, हमने अपने अंदर जो गुणों का अभाव किया वो माया, और माया गुणों के अभाव के कारण हमने और गलतियां की, फिर माया, जितनी हम कमियां गलतियां करते जाते हैं उतनी माया बढ़ती जाती। लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो, आपका योग किसके साथ हो? डायरेक्ट बाप के साथ हो तो समय सफल हो जाएगा। डायरेक्ट बाप के साथ योग का मतलब क्या है?
क्योंकि हम आत्मा समझे बिना बाप के साथ डायरेक्ट योग नहीं लगा सकते। बीच में देह अभिमान आ जाता है, हमारा योग लग नहीं सकता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारा योग लगता नहीं है, क्या करें, योग लगता नहीं है क्या करें। एक्चुअल में बात क्या होती है, हम देह और देह के संबंधियों को भूल नहीं पाते। उनकी स्मृति इतनी अधिक होती है कि हम भूल नहीं सकते। जिसके कारण बाप से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि देह अभिमान आ गया तो रबड़ बीच में आ गया और अवतार कितनी लपेटे जाओ तो कनेक्शन तो नहीं जुड़ सकता। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं जो कोई बद दुआ करेंगे, ऋषि साधु महात्मा गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, बद दुआ दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, उनसे डरते रहते हैं कि भाई वो चुपचाप चला जाए, बस कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उन गुरुओं आदि में बहुत क्रोध होता है तो उनसे मनुष्य डरते, उनसे मनुष्य डरते हैं, कहां श्राप ना दे देवे गुरु जी, कहीं हमें श्राप ना दे देवे। यहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वे हैं जो खुद चंचल होते। खुद क्या होते हैं, ये क्या होता है, चंचल क्या होता है, चंचल तो नाम होता है। अच्छा अच्छा, हां जी, शरारती, चंचल माना शरारती, चंचल माना अस्थिर बुद्धि। जिनकी बुद्धि अस्थिर हो, स्थिर ना होती हो, एक जगह बैठता ना हो बच्चा, उसे कहते हैं चंचल बच्चा। यानी बच्चा तो चंचल नहीं होगा तो बच्चा नहीं है, फिर वो बीमार है। बच्चा सोया पड़ा है, पड़ा है तो बीमार है ना। बच्चा तो शरारते करेगा ना, शरारते करे नहीं। चंचल बच्चे जो होते हैं ना, जो अस्थिर बुद्धि होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, जल्दी जल्दी अपने विचार बदलते रहते हैं, काम बदलते रहते हैं, तो उनको चंचल कहा जाता है। वे लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहां तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करता। फिर बाबा तो कभी गुस्सा नहीं करता, समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं है। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं आगे के लिए सुधर जाएं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते, बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर, अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर रहो। अटेंशन तो हमने याद की यात्रा माना, अपने सुधारने में अटेंशन देना है। साथ साथ चक्कर को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। वे है सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का जरिया, परंतु इसका ये समझ रहा हूं कि मतलब आपको अपने आप को थोड़ा करना
जाता कि मैं ये था ना बन सकता हूँ, यही मतलब पर्पज है ना किसका? अभी जो लाइन में बोला ना आपने कि बाबा ने कहा कि सांस का चक्कर को माइंड में रखो, बाबा ने कहा एक लाइन पहले ही बोला ना, क्या बोला? देवी गुण भी धारण, हाँ दिव्य गुण देवी गुण धारण करो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो और देवी गुण धारण करो। याद है मुख्य बाबा की, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, सृष्टि चक्र का ज्ञान कि हम 5000 साल का ड्रामा ये हू बहु रिपीट होता है, ये बहुत सिंपल है। बाकी बाबा की श्रीमत पर चलना ये मुख्य है, चक्र घुमाना, चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि हम चक्र को बुद्धि में रखेंगे तो हमें याद आएगा कि हम इस चक्र में कभी देवता थे और ये वो समय है जब हम हर कल देवता बनते हैं। अब ये बुद्धि में रहेगा तो वो अटेंशन देगा अपने आप को सुधारने पर, अपनी कमियों को निकालने पर, परंतु उनके साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय बिल्कुल आसुरी गुण छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते, छोटे छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं, बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं है। क्यों? मारने से पुलिस तो कैसे समझेंगे, वाइब्रेशन मारने से तो सुधर जाए, शैतान भी सुधर जाए, भूत भी नाचे। मारने से सबसे पहला क्या करता है कि वे झूठ बोलना शुरू कर देते, छुपाना शुरू कर देता, इसलिए मारना नहीं, मारेंगे तो वो छुपाएगा और गलतियां करेगा और छुपाएगा। और ही सीखते हैं, वहां सत्युग में तो सीखना नहीं होता, यहां पर क्या करते हैं, सीखते हैं। यहां तो मां बाप से बच्चे सब सीखते हैं, बाबा गरीबों की बात करते हैं, बाबा गरीबों की बात करते हैं। सौकारों के लिए तो यहां जैसे स्वर्ग है, सौकारों के लिए तो यहां क्या है, जैसे स्वर्ग है। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे, तो बाप गरीबों की बात करते हैं। कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, मां बाप को सब देखते रहते, जैसे मां बाप गलतियां करते बच्चे भी वही गलतियां करेंगे, उसे फालतू करेंगे। फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते, ये रूहानी बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूं, समझाता हूं, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत। तमो प्रधान दुनिया, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है, 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं, एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधाए मान हूं, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, सौकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे, बड़े बड़े घर की
बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई, कुछ भी ले। कितना हंगामा हो गया, ड्रामा में जो होने का था वे हो गया, ख्याल भी नहीं था कैसा होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है, ब्रह्मा बाबा वंडर खाते थे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, इन हो की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने सबको कह दिया है, बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखवा कर ले आओ। कौन से बाबा ने कहा चिट्ठी लिखवा के ले आओ? शिव बाबा ने कहा चिट्ठी लिखवा के लाओ? ब्रह्मा बाबा भविष्य का जानता था? ब्रह्मा बाबा को क्या पता क्यों चिट्ठिया लिखवा के लानी है? शिव बाबा ने कहा क्योंकि शिव बाबा जानता है कि आगे चलकर कोर्ट केस बनेगा, वहां ये चिट्ठियां सबूत के रूप में दिखानी पड़ेगी। तो शिव बाबा जानी जाननहार है, ब्रह्मा बाबा। हां जी, लेकिन एक बार है ना बाबा की वाणी में ये आया था कि जैसे कि भक्ति वाले में कई बार कहते हैं ना कि साक्षात कर कराते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उस टाइम से के टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या ये समृद्धि होती है कि मैं संगम पे आके पाठ बजाऊंगा? वो कहते हैं नहीं, जब मैं संगम पे आता हूँ उसी टाइम ये मजा होता है। तो उनको फ्यूचर का तो प्रैक्टिकली तो उस पॉइंट से ये लगा कि उसको नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है वो उनको नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आऊंगा मेरा जो पाठ उस टाइम में मजा होगा। शिव बाबा कहते हैं, भाई कह रहे हैं, शिव बाबा कहते जो मुझे इस सेकंड बताना है इससे पहले मैं सोचता नहीं हूं। सोचना इस ब्रह्मा बाबा को पड़ता है, सोचना इस ब्रह्मा बाबा को पड़ता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं तो जो उस समय बोलना है, जो उस समय समझाना है, वही मेरी बुद्धि में बाबा से बाबा की पास बुद्धि में आता है और वो हमें डिलीवर कर देते। मतलब ये शिव बाबा को सोचने की भी जरूरत नहीं, शिव बाबा जो कहेंगे उसमें वो राज समाया हुआ है। ब्रह्मा बाबा नहीं सोच सकते कि भी ना चिट्ठी लिखवा ली जाए कहीं बाद में, इसको क्या पता। परंतु शिव बाबा बेशक उस समय वो बोलता है जो उसने बोलना है, परंतु जो शिव बाबा ने ड्रामा अनुसार कहा उसके पीछे भी लॉजिक के साथ रीजन भी है। हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, फिर उनके पति लोग विलायत से आ गए, वो बोले विष दो, ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते, हमने तो ज्ञान अमृत पी लिया, हम तो अब जहर नहीं दे सकते। इस पर उनका एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए। चरित्र के पुस्तक का नाम क्या है? भागवत। और एक है भागवत गीता,
क्या अंतर है दोनों में, भागवत में और भगवत गीता में? हाँ जी, हाँ, भागवत में कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन है नहीं? और गीता में ज्ञान है। हाँ जी, हाँ, श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए, श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो ये सब ड्रामा में नूंद है। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में ये सब होता है, हंसी कुड़ी, हंसी की बातें, मनोरंजन की बातें होती हैं। ये तो दोनों बाप कहते हैं। अब ये दोनों बाप क्या कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। सुना बात को, दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अब वो कितने बड़े हो गए हैं, बच्चों की कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनमें से वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए, उनको इतने अच्छे अच्छे नाम मिल गए तो भाग गए, उनका वे नाम तो है नहीं। अब उनके नाम पुरानी दुनिया वाले नाम हो गए ना, आज से ब्रह्मा कुमारीज में आकर किसका नाम कुछ हो गया, अब वो लोग भाव जाएंगे तो वो एक कोई पड़ेगा। फिर नाम पर फिर पुराना नाम शुरू हो गया, छोड़ करके यहां चले गए और वहां जाकर फिर वही पुराने नाम से चलेंगे। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती है, ब्राह्मणों की माला होती है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं है हमारे पास, चिढ़ा रहा है जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं है। पहले माला पहनते थे, अभी तुम माला के दाने बनते, अभी तुम माला के दाने बनते। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहां ये नॉलेज नहीं होती, वहां ये नॉलेज नहीं होती। समझाने की ये नॉलेज है, समझने की है भी सेकंड की बात, और ये समझने की बात भी कितनी देर की है, सेकंड की बात है। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही करो, जंगल को कलम बनाओ और धरती को क्या करो, कागज करो, परंतु परमात्मा के गुण लिखना चाहो तो लिख नहीं सकते, लिखना चाहो तो लिख नहीं सकते। सेटिंग की बात है, अलफ को जान गए तो वे बादशाही जरूर मिलनी है, तो वे अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन बनने की मेहनत है, लेकिन कहते हैं अपने को आत्मा समझ
मुझे एक बाप को, अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें मेहनत है। तकदीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। तो टीचर क्या करे? टीचर तो पढ़ाएगा ना, ऐसे में रिश्वत लेकर के पास कर देंगे? ये तो बच्चों को समझते हैं, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे, ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा का क्रिएटर को का नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का कोई रचयिता नहीं होगा, बेहद का क्रिएटर तो ब्रह्मा है। बेहद का क्रिएटर तो ब्रह्मा है ना। तो बहुत प्रजा हो जाएगी, सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहे। क्यों नहीं कहेंगे शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? ब्रह्मा बाबा ने बनाए, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा क्यों नहीं कहे? क्यों क्यों नहीं कहते? परंतु उसका सिजरा तो बना हुआ है ना। हाँ जी, आत्मा लेवल पे सिजरा है वो तो, और आत्मा का बिना जो परफॉर्मेंस चली है वो शरीर के साथ चली है। तो बाबा सीधा हम आत्माओं को ज्ञान देते, वो हम आत्माओं का पिता है। वो खूब जूझेगा, खूब कोशिश करेगा, परंतु वो परम आत्मा है, वो आत्मा की सीट नहीं लेगा, आत्मा के साथ उसका अनुभव नहीं। आत्माओं का बाप हो गया, ये तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद के इस मंथन का, इस पर के सिजरे का जो पटवारी के पास होता है, सारा लेखा जो का पटवारी जो है ना, किसे कहेंगे पटवारी? जो सिजरा बनता है उसको जहां पर सेट करेंगे, सारे टुकड़े इकट्ठे करेंगे, पेस्ट अलग करेंगे, हां जी क्या हुआ? नहीं, शिव बाबा सिजरे में तो है, सबसे पहली आत्मा तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा तो सबसे पहले ऊपर टॉप में है ना, सिजरे में कैसे नहीं होगा? वो सिजरे का हेड है वो। तो बाबा आकर हम सबको समझाते कि तुम भाई भाई हो, फिर बहन भाई बनते हो जब देह अभिमान में आते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी,
जैसी बिरादरी का सिजरा होता है ना, बिरादरी का सिजरा समझते हैं, एक अग्रवाल था, सारे अग्रवाल हो गए, सिजरा होता है जैसे बिरादरी का सिजरा होता है। ये है बेहद की आत्माओं का सिजरा, आदम और बीबी, एडम और ईव, किसको कहते हैं? आदम बीबी और एडम ईव खेल में किसको कहते हैं? तो समझ में आया कि एडम बीबी किसको कहेंगे? आदम बीबी ब्रह्मा बाबा को, और ईव किसको कहेंगे? शिव बाबा को। हाँ जी, ईव किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को ईव कहेंगे। दोनों एक ही है, कैसे हो सकता है? आदमी भी वही, औरत भी वही, ऐसे कैसे हो सकता है? होता है कैसे, बताओ कैसे होता है? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ शिव बाबा की वर्णी है, शिव बाबा की वर्णी है। कैसे बताया बाबा ने हमें? ये मैंने एक मुरली निकाली थी, वो मुरली मैं आपको दिखाता, ठीक है कि नहीं? ब्रह्मा बाबा की माँ भी नहीं है। तो ये मुरली है, हाँ तारीख है इसकी 6 जून 2023, 6 जून 2023 को बाबा क्या कहते हैं? बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, सुना है ना इसे? तो मैं फादर हूं तो मेरी पत्नी भी तो होनी चाहिए ना, कोई मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वे कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। अभी जो मुरली हम पढ़ रहे थे उसमें कहा ब्रह्मा बाबा आदम है और सरस्वती ईव है, परंतु ये भी मुरली है, ये भी 6 जून 2023 की मुरली है, यानी जिसमें बाबा कहते हैं मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। अब क्या करें, एक बार बाबा कुछ को कहते, दूसरी बार कुछ कहते, हम क्या करें बताओ? किधर मरे, कौन सी बात माने? डॉक्टर साहब होते कोई बात हो बताओ ये कोई बात है? कभी कहते वो ईव है, कभी कहते वो ईव नहीं है, है नहीं? एक एक बात बताओ, ये दो दो बातें क्या करते रहते हैं? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगत अम्बा है, और ईव इनको ब्रह्मा को ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे, तब तो तुम मात पिता सिद्ध कर सकते हो। हम मात पिता इनके बच्चे हैं, तब तो तुम मात पिता सिद्ध करते हो। एक को ही मात पिता कहा जाता है, जगत अंबा की भी मां होनी चाहिए। जगत अंबा की मां कौन है? ब्रह्मा बाबा जगत अंबा की मां है। अच्छा, वे भी वुमेन। ये सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे।
याद में पहले याद नहीं है तो धारणा भी नहीं है। और पुरुषार्थ कर तो धारणा नहीं है, नहीं हो सकती, तो माया बड़ी जबरदस्त है। याद नहीं तो क्या करेगी, याद नहीं करेगी तो माया ऊंसा मारती है। किसको भूसा मारेगी? जिसे पुरुषार्थ नहीं करेगा, से पता नहीं है, स्मृति नहीं है, याद नहीं करेंगे तो माया क्या करेगी, भूसा मार देगी। तो हमें समझ में आया, बुद्धि में मल हमने इसलिए इसको ले आए। अब मुझे समझाओ कि ऐसा क्यों किया बाबा ने, दो बातें विरोधी क्यों बताई, ये बात हमें समझनी है। क्योंकि पढ़ाने का नियम होता है नोन टू अननोन पढ़ाना, जिसको आप जानते हो उसको लेकर जिसको आप नहीं जानते हो वो समझा। इसलिए आ अनार या आ आम ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसको आप जानते हो, इसके कारण आपको ये समझ में आ गया। अब आ अनार आ आम को छोड़कर हमने आगे की बातें समझानी। तो इसलिए पहले पहले बाबा ने ये कहा, ये पहले पहले की मुरली हो गई है नी। और अब जो है ना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एडम को सॉरी ईव को जो है ना सरस्वती को ईव नहीं कहे, क्योंकि सरस्वती को ईव कहने से हमारी और दुनिया की जो उल्टी बातें हैं वो एक हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। क्योंकि वो ये समझते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा को भी विकार आया और उन्होंने सरस्वती से ब्राह्मण पैदा किया। तो ये जो है ना ब्रह्मा को भी बड़ा तरीके से लिया गया ताकि एक एक बात उनकी कट होती जाए। भक्ति मार्ग वाले हाँ, तो ब्रह्मा को सरस्वती और ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई तो उसने सरस्वती से विकार में जाकर ब्राह्मण पैदा किए। अब ये दुनिया वालों की है। अब हम भी वही कहें कि ब्रह्मा सरस्वती तो उस रूप में आए। हाँ तो हमें समझ में आ गया क्योंकि बाबा ने क्यों चेंज किया, क्योंकि पहले जो दुनिया वाले जानते हैं वो बताओ, फिर कुछ समय के बाद उनको सच बताओ कि ब्रह्मा ही ईव है, ब्रह्मा ही बीबी है, ब्रह्मा ही बड़ी माँ है सबकी, और शिव बाबा है बाप, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट हैं जी। हाँ नोन टू अननोन ये पढ़ाने का नियम है। हैं जी हाँ यही यही हमारी हमारी दुनिया में भी यही पढ़ाई का नियम है ना। और बेबी एडम और ईव किसको कहते हैं? आदम बेबी एडम ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। तो हमें याद रखना है कि ये पहली पुरानी पढ़ाई है और वो नई पढ़ाई है। मतलब नई पढ़ाई को और पुरानी पढ़ाई को कौन सी मुरली आगे है कौन सी मुरली पीछे है ये हमें याद रखनी है। क्योंकि ये नहीं कि हम जो पढ़े बस वही आज यही कहा है तो यही है, आज ये कहा है तो ये है। मतलब हमें ये अंतर भी रखना है कि अभी कौन सी मुरली ज्ञान को आगे ले आई है, हम कितना आगे जा चुके हैं, हम पीछे वाली बात को समझें, ये पहली क्लास वाली बातें हैं।
इनको अब मुरली तो आगे पीछे आएंगी। अब वो 6 जून 23 को पढ़ी और ये अब ये लगभग साल बाद ही 16-5 को पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक साल में हाँ एक 10-12 दिन का फर्क है। मई है वो जून है, वो 6 जून है ये 16 मई है, तो 20 दिन का इसी 20 दिन का ही फर्क है ना। तो 20 दिन के फर्क पर ये मुरली जो है ना चेंज हो रही है, तो इसको हमें बहुत ध्यान देना। हाँ जी ऐसा है भाई जी, बस मुरलियों का जो राजू भाई है वो उसको नहीं मालूम कौन सी मुरली पहले रखूं कौन सी मुरली पीछे रखूं, ये डिसीजन उसने आज तक नहीं किया। बस जैसे आया जो मुरली आई भेज दी, बना दी और मौके के हिसाब से उस समय के हिसाब से मुरली को सेट किया और भेज दिया। ये सेटिंग करना उसका काम है। ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया, सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स, वैरायटी धर्मों का झाड़ है और फीचर्स भी वैरायटी है। मतलब कितनी कमाल की बात है, हर सेकंड हमारे फीचर चेंज हो रहे हैं। कितने फीचर्स हैं वो, हर सेकंड हमारे फीचर्स चेंज हो रहे हैं और वो फीचर्स दोबारा इस कल्प में नहीं आ सकते। इस कल्प में दोबारा नहीं आ सकते, पर 5000 साल बाद इस समय ही हमारे यही फीचर्स, परंतु इससे पहले क्या कहेंगे, नथिंग न्यू, कोई नई बात। एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, ये बहुत गुहे बातें हैं। छोटी बात छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, जो छोटी बुद्धि वाले हैं उनको तो सीधी बातें बताओ बस खत्म बात। टेढ़ी मेढ़ी गहरी बातें तो कहेंगे भाई हमारा सिर मत खा, बस ठीक है, या तो ये बता दे ये बता दो, बस ये क्या है कभी कुछ कभी कुछ। बहुत मुश्किल है, हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है, बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है, हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो, आप अपना रथ दोगे शिव बाबा को? वो तो ले लेगा, देने वाले बनो, देने वाले बनो, ये तो सौभाग्य है। भाग्यशाली है हम कि हमारा रथ बाबा प्रयोग करे। कब करता है प्रयोग, कैसे लेता है शिव बाबा रथ? बाबा की याद में रहेंगे ज्ञान सुनाने में, तो हमारे रथ का यूज करके वो ज्ञान सुना के निकल जाते हैं। मतलब आप बाबा की सेवा में हर पल तैयार रहो, अलर्ट, बस अपने आप को सौंप दो। जिससे मैं अपना छोटा सा बात बताऊं कि हम स्टेशन पर आते, बस गाड़ी पत्नी 10 मिनट आएगी 15 मिनट आएगी 1 घंटे बाद आएगी 1.5 घंटे बाद आएगी, गाड़ी की मर्जी है, गाड़ी का तो कोई टाइम होता ही नहीं है ना। अब हम आ गए तो अब टाइम गाड़ी लेट है, तो फिर सीधा सा संकल्प आता था क्या करे, बस इतना करना है, कोई ना कोई आत्मा सामने दिखाई देगी, उसको पूछो, उससे बात करना शुरू करो, उसे समझाना शुरू करो। स्टेशन पर क्या लग गया, मजमा लग गया, सारा एक ढेर इकट्ठा हो जाता था, है नहीं? तो मजमे वाले बन जाते थे, उनको शुरू हो जाओ। तो मतलब कहने का है कि आप अपना रथ बाबा को देने के लिए तैयार रहे, सेवा करने के लिए तैयार रहे, बाबा आपको तुरंत यूज करेगा, तुरंत यूज करेगा।
एक सेकंड भी नहीं छोड़ेगा, वो इतना लपकने के लिए तैयार है। मतलब आप अपने आप को बाबा के हवाले कर दो, और उसे यदि कुछ भी समझाना नहीं आ रहा होगा आपको, आप ये डर अपने दिमाग से निकाल दो, बाबा आएगा और समझा कर चला जाएगा, वो अपना काम कर जाएगा। और बाद में आप सोचते रहेंगे, बाबा कहता है, फिर मुरली में क्या कहता है, बच्चे सोचते हैं मैं बड़ा होशियार हूं, मैंने ये समझा दिया, ये नहीं पता कि मैं अपना काम कर गया, ये उसको नहीं पता, मतलब ये भी नहीं समझ पाता। मुरली में बाबा, मुरली के शब्द है ये, बच्चे समझते हैं मैं देखा कितना होशियार हूं, मैंने ये बातें समझा दी, ये नहीं पता कि बाबा अपना काम कर गया। इस प्रकार से मतलब आप अपने आप को बाबा की सेवा में समर्पित कर दो, फिर बाबा आपके तन का यूज करेगा ही करेगा। और उसके लिए ये किराया तो लेना नहीं है, उसने फ्री में आता है फ्री में जाता है, क्यों इंतजार करो कि किराया दे दे, पर आप अपना काम करते रहो। मतलब आप बाबा के बाबा को सौंप दो कि बाबा अब क्या करूं, एक घंटा है, आधा घंटा है, दो घंटे है, क्या करें क्या करें क्या, बस ठीक है ला इधर आ, मैं तेरे को बताता हूं, यानी अपने आप ही यूज करेगा। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से ना पास हो जाएंगे, ना पास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े कहेंगे, कोई कंगाल है उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे, ये है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है, तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते तो क्यों जाते हैं मधुबन, रिफ्रेश होने के लिए आते हो ड्रामा अनुसार, रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूं वो धारण करना है, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है फिर प्राय लोप हो जाता है, ढेर आत्माएं चली जाती हैं, कहां जाती हैं ढेरों की ढेरों आत्माएं, सारी आत्माएं शांति धाम में चली जाती, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो, अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो, ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं, तुम विश्व के मालिक थे फिर सब गंवा दिया, फिर सब गंवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा अनादि बना बनाया खेल है, स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो, यहां मनुष्य की मनुष्य को
हेल्दी बनने के कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए स्वस्थ रहने के लिए कितना खर्चा करते हैं। और तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? कोई खर्चा होता है? 21 जन्म के लिए हेल्दी बनने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो? पर्स में से कुछ किया? एक नया पैसा भी खर्च नहीं करते, पुराना पैसा नहीं का, एक नया पैसा। पुराना पैसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि पुराने पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, नए पैसे की वैल्यू नहीं है। मतलब एक नया पैसा भी, मतलब पुराना पैसा समझते ना, चार पैसे का एक आना होता था, चार पैसे का एक आना होता था, ठीक है? तो अब तो एक पैसा एक रुपए का सौवां हिस्सा हो गया। तो वो जो है ना, चार पैसे का एक आना, चार आने और 25 पर चार आने, 16 आने होते थे ना, पहले रुपए में 16 आने होते थे, तो एक आने में चार, तो 64 पैसे में एक रुपया हो जाता था। तो वो पुराना पैसा तो महंगा होगा ना, तो नया पैसा 100 पैसे में एक पैसा, तो वैल्यू समझ गए बाबा, क्यों बाबा ने नया पैसा क्यों शब्द यूज किया? तो मुझे समझ में आया कि पुराने पैसे की तो वैल्यू ज्यादा थी, मतलब पहले तो किसी को पैसा खर्ची मिल जाती तो खुश हो जाते थे, एक पैसा भी क्या खर्ची मिल जाती थी, एक नया पैसा भी नहीं लगा था, क्योंकि मुरली उस टाइम की है जब पुराने और नए दोनों पैसे चले। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहां आई ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए, एक बात के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्व गुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो, बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके, तो देवता बन ना सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया, गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो, और बाप को अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, अभी बाबा बताए कि मैंने तुमको ज्ञान समझाया, ये समझाया, ड्रिल भी सिखाई, बोला तो ड्रिल कौन सी सिखाई? ड्रिल कौन सी सिखाई? ड्रिल तो बाबा सिर्फ एक ही कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, बस परम धाम निवासी समझो। अब यहाँ पर ड्रिल कराने का जो है ना समय नहीं होता, नहीं तो बाबा के डायरेक्शन पर बैठ जाओ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तो बैठे, तो फिर वो टाइम कट होता है ना, हमारा पढ़ाई का टाइम है, अभ्यास का टाइम नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। उत्तर है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो,
ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों को भी सेवा करके, औरों की भी सेवा करके क्या करो, जो भी खजाने मिले हैं सेवा करो, और जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना है अपने अंदर, वो श्रम आप दे नहीं रहे हो, वो आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, भरते जा रहे। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनो। जीवन मुक्त होंगे तो सुख धाम में जाएंगे, जीवन मुक्त बनेंगे तो सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में जाने का मतलब स्वर्ग के सुख लेना, ठीक है, और साथ साथ क्या बनना है, विदेही। विदेही बनना माना परम धाम जाना, विदेही जाना बनना माना परम धाम जाना। ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज कि जहां हमारे पास कोई साधन। अच्छा, मातेश्वरी जी के महावाक्य ये भी बड़े वंडरफुल हैं। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास, ये बहुत गुह्य राज समझना है। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए, दुनिया लोगों को, कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया, कन्याओं ने और माताओं ने संन्यास क्यों लिया, ये कोई हठयोग कर्म संन्यास नहीं है, ये कोई हठयोग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग राज योग कर्म योग संन्यास जरूर है। परम आत्मा खुद आए जीते जी, देह सहित देह के सभी कर्म इंद्रियों का मन से संन्यास कराता है। पांच विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए हैं, कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण, अब माया का ये ग्रहण तो आधा कल्प से लगा हुआ है। इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माओं को कितनी पवित्र और चमत्कारी है, जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलेगा। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है, कुछ मिले तो छोड़ेंगे ना, बच्चा गंदी टॉफी खा रहा है तो माँ क्या कहती है, छी छी फेंक दो इसको, मैं बढ़िया टॉफी देती हूँ। बढ़िया टॉफी जब तक देंगे नहीं फेंकेगा नहीं, बढ़िया टॉफी देंगे तुरंत फेंक देगा, और बाबा बाप पर यकीन हो जाए कि बढ़िया टॉफी दिलाएगा तो उसी टाइम फेंक देगा। गरीब का बालक सौकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, पर तो सौकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहां ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है,
यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुल की कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ और सर्वंश संन्यास किया। और जो मैंने माताएं आई उन्होंने एकदम सारे सुख सुविधाएं त्याग कर, तो जरूर उनसे उनकी जास्ते सुख शांति की प्राप्ति हुई। तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी, जैसा गरीब जैसे राजा गोपीचंद है। राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अपना राजाई का संन्यास कर लिया। ये है ईश्वरीय अति इंद्रिय अलौकिक सुखी जीवन। अतिंद्रिय अलौकिक सुख जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ। उनको ये पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तब ही भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा का बनने के, क्योंकि परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, ठीक सेवा अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम युग पर समय संपूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएंगे। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करें। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करेंगे। हमको कोई सन्यासियों के माफिक मंडलेश्वर के माफिक यहां महल बनाने तो नहीं है ना, परंतु नागेश्वर बाबा, परंतु ईश्वरार्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये है गुप्त राज, प्रभु तो दाता है, प्रभु तो दाता है, एक देवे सौ पावे, जो देगा उतने मिलेगी उसको। परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है, जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करो, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं, फोन।